हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज हम बात करने वाले हैं बेबी डेंटल हाइजीन के बारे में सब कुछ। इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट गाइडेंस कि बेबी के टीथ कैसे आते हैं, उनका ध्यान कैसे रखना है, टूथपेस्ट कैसे चूज करना है, टूथब्रश कैसे चूज करना है और किस एज ग्रुप के लिए कौन सी क्लीनिंग बेस्ट होती है। तो सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में आता है कि क्या बेबी के टीथ इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि ये मिल्क टीथ है, आगे चलकर तो इनको टूट ही जाना है, तो ऐसे में इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर इसमें थोड़ी बहुत कैविटी लग भी जाए तो आगे चलकर तो ये झड़ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में। बेबी के टीथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक टीथ रहते हैं तो उनका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखा गया है कि जिन बच्चों में माल इक्लूडेड टीथ रहते हैं या बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होते हैं, उनको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा टीथ जो है वो जॉ डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बेबी का पूरा फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बनता है। जिन बच्चों में ज़्यादा माल ऑक्लूजन होता है या जिनके टीथ नहीं आते या जिनके टीथ अच्छे से नहीं आते, उनके जॉ का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है और बड़े होकर उनके फेस में वो सुंदरता नहीं रहती है। साथ ही में ये च्यूइंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो लास्ट मोलर है, जो अगला मोलर है, वो 12 साल का जब हो जाता है बच्चा तब आता है। तो तब तक के लिए जो चबाने के लिए बेबी को चाहिए वो यही मिल्क टीथ का सहारा है। और ऐसे में अगर उसके मोलर में कैविटीज़ हो जाती हैं या उसके मोलर को निकालना पड़ता है, तो जब तक आपका बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर उनके दांत खराब होते हैं तो उनके बहुत सारे बच्चे बुली करते हैं। इसीलिए उस साइकोलॉजिकल पेन से बचा के लिए भी आपको अपने बच्चों के टीथ का ख्याल रखना होता है जब से वो पैदा हुए हों तब से। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि आप बच्चों के दांत सड़ सकते हैं, बच्चों के दांत तो मिल्क के टीथ होते हैं, क्या उनमें सड़न हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जब बच्चों के टीथ में बहुत ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस आए, शुगरी सब्सटेंस जैसे कि आपने बच्चों को फ्रूटी दिया या फिर दूध में आप शक्कर डालकर दे रहे हैं या फिर फ्रूट जूसेस दे रहे हैं, ऐसे शुगरी सब्सटेंस अगर बच्चे के टीथ के कॉन्टैक्ट में लंबे समय तक रहते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एसिड की फिल्म बना देते हैं। ये बैक्टीरिया शुगर को खाते हैं और एसिड को निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो दांतों के ऊपर एक एसिड की फिल्म बन जाती है। ये जो एसिड है ये दांतों को धीरे धीरे जलाने लगता है और उसमें कैविटी बनने लगती है। धीरे धीरे कैविटी में और ज़्यादा फूड फंसने लगता है और ज़्यादा बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करना चालू करता है और ज़्यादा एसिड बनना चालू होता है। इसलिए अगर हल्की सी कैविटी बन गई तो उसको बड़ी कैविटी बनने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए जब आपकी कैविटी बनना शुरू हो जाए या जब आपकी कैविटी बहुत छोटी हो, तभी आपको डेंटल ओपिनियन लेना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उसे हम ठीक कर सकें और उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों में कैविटीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है और बच्चों के टीथ का कैसे ध्यान रखना है। देखिए, जब बच्चा 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच का होता है तो उसके दांत अभी निकले नहीं हैं, लेकिन निकलने वाले दांत खराब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा अभी दूध पी रहा है और ये जो दूध है ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मुंह में एक बैक्टीरिया की एक फिल्म बनाता है। तो इसीलिए आपको क्लीन करने के लिए एक सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ यूज़ करना चाहिए। सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ को हल्के भिगोने गर्म पानी में डालकर उसको नहाते वक्त एक बार फिंगर से आपको क्लीन कर देना चाहिए, जिसके उसके मुँह के बैक्टीरिया कम रहे और क्लीन रहें। टंग के बारे में ये ओपिनियन है कि टंग को आप हल्के हाथों से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन टंग को बहुत ज़्यादा घिस घिस कर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों में, क्योंकि जो बच्चों में टंग के ऊपर एक हल्की सी फिल्म होती है वो एक्चुअली उसके लिए प्रोटेक्टिव ही होती है। इसलिए आप हल्के हाथों से सिर्फ एक बार उसके टंग को क्लीन कीजिए, बहुत ज़्यादा उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप घर में सॉफ्ट क्लॉथ क्लीन नहीं कर पाते हैं तो बाज़ार में इस तरह के रेडीमेड जो है क्लॉथ, वो वन टाइम यूज़ वाले डिस्पोजिबल वाले क्लॉथ नैपकिंस उपलब्ध हैं, वो भी आप ले सकते हैं बच्चों की टंग क्लीनिंग और गम्स क्लीनिंग के लिए। गम क्लीन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गम के हर कोने को क्लीन करें और टंग को एक बार आप हल्के हाथों से फिंगर से क्लीन करें, तो इससे बच्चे का माउथ बिल्कुल क्लीन रहेगा और उसमें आगे चलकर टूथ डीके की प्रॉब्लम नहीं होगी।
जब बच्चा 6 महीने से लेके 2 साल का होता है तो 6 महीने के बाद 8वें महीने में के आसपास उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसी समय आपके बच्चों के दांत में कैविटी लग जाए। क्यों? उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो बच्चा अभी भी आपका बहुत ज़्यादा दूध पी रहा होता है, और दूसरा अभी आप इतने अवेयर नहीं होते, आपको लगता है कि अभी अभी तो दांत आना शुरू हुआ है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, इस समय बच्चे के टंग या उसके टीथ को क्लीन करना चालू नहीं करते, वो वेट करते रहते हैं कि जब तक 3-4 दांत ना आ जाए तब तक मैं क्लीन नहीं करूँगा, ये जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक मैं क्लीन नहीं करूँगी। तो इसीलिए इस समय सबसे ज़्यादा चांस होते हैं बच्चों के दांत खराब होने के। और अगर एक बार दांतों में सड़न चालू हो गई तो आगे आने वाले भी दांतों में सड़न लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आपके बच्चे का पहला दांत आना चालू हो गया है, आपको अपने टंग की क्लीनिंग और अपने गम्स की क्लीनिंग वैसे ही कंटिन्यू रखना है, और 1-2 दांत जैसे आ जाता है तो आप इस तरह का फिंगर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का सिलिकॉन ब्रश बाजार में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, ऑलमोस्ट हर ब्रांड इसको प्रोड्यूस करती है, और ये बहुत ही सस्ता होता है, करीबन 100 रुपीज़ के आसपास आता है, और ये बहुत इजी होता है क्लीन करने के लिए। इसमें डेक्सट्रिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेक्सट्रिटी मतलब आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अपने हाथों को ईजिली मूव कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए ये जो ब्रिसल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्रशेज और एडल्ट ब्रशेज। तो ये जो सिलिकॉन के ब्रिसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, साथ ही में आप इसमें डेंटल मैन्यूवर ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए इस समय ये ब्रश बेस्ट रहता है बच्चों के टंग और गम्स को क्लीन करने के लिए। टंग के लिए भी आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, टंग के ऊपर 1 या 2 बार इसको आप वाइप कर सकते हैं, उतना सफिशियंट होता है बच्चों की टंग क्लीन करने के लिए। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, 1 साल 1.5 साल का होने लगेगा, तब आप देखेंगे कि आपको वो ये फिंगर ब्रश यूज़ करने नहीं देगा, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा बाइट करने लगेगा। तो ऐसे में जब बच्चा बहुत ज़्यादा बाइट करना सीख जाए तो ऐसे में ये जो फिंगर ब्रश है ये बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको चिल्ड्रंस ब्रश की तरफ मूव करना चाहिए। चिल्ड्रंस ब्रश खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रश की नेक है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नेक है तो गम्स में चोट पहुंचने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चों के गम्स जो होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रिसल्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड ब्रिसल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये 2 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका बच्चा अभी खुद से ब्रश करना सीख रहा है तो वो उसके हाथों में इजिली आ सकता है या नहीं, उसकी ग्रिप कैसी है। तो नेक, ब्रिसल्स और ग्रिप, इन 3 चीज़ों का ध्यान रख के आपको ब्रश खरीदना चाहिए। मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स उपलब्ध हैं और किस ब्रांड में क्या खूबियाँ है, किस ब्रांड में क्या डिसएडवांटेज है, ब्रश के बारे में सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, हाउ टू सेलेक्ट अ टूथब्रश, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। जब बच्चा 2 साल से 5 साल के बीच में आ जाता है तो इस समय आप उसे फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले तक हम फ्लोराइडलेस टूथपेस्ट यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बच्चा इतना सारा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और बच्चों में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर बच्चा 2 साल के ऊपर हो गया है तो इसलिए हम फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कौन सी टूथपेस्ट किस एज ग्रुप में यूज़ करना चाहिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा, हाउ टू सेलेक्ट अ टूथपेस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन मन में आता है कि टूथपेस्ट लेना कितना है। देखिए, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर हो गया है तो उसको पी साइज़ मतलब एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर उससे बच्चा छोटा है तो उसे राइस ग्रेन के बराबर टूथपेस्ट की मतलब बहुत ही कम टूथपेस्ट की ज़रूरत होती है। तो टूथपेस्ट और टूथब्रश आपने अच्छे से ले लिया है, उसकी क्वांटिटी आपको पता चल गई है, अब है राइट मेथड फॉर ब्रशिंग। देखिए, ब्रशिंग करते समय 45 डिग्री एंगल पर रखते हुए आपको मुंह के हर एंगल पे क्लीन करने की कोशिश करना है, कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। एक नॉर्मल ब्रशिंग में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिनट्स का समय लगता है बच्चों में, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे को धीरे धीरे ब्रश कराना सिखाना भी ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपका बच्चा 5 साल क्रॉस कर गया है तो ये ज़रूरी हो गया है कि एटलीस्ट वो अपने हाथों में खुद हेल्ड करे और थोड़ा बहुत ब्रश करने की कोशिश करे। इस समय तक भी बच्चों को बहुत अच्छे से ब्रश करना नहीं आता है, इसलिए उनको सुपरविजन की ज़रूरत होगी। आप उन्हें अपने सामने रखकर धीरे धीरे ब्रश करने दें, और अगर उनसे कोई गलती हो तो उनको हेल्प भी करें। एक प्रो टिप मैं आपको और देना चाहती हूँ, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर हो गया है तो या तो आपका वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फिर निपल फीड कर रहा है, उसे धीरे धीरे आप छुड़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि
बहुत लंबे समय तक निप्पल फीड करने से बच्चों में टीथ के मैल ऑक्लूजन मतलब टेढ़े मेढ़े दांत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चों को शुगरी ड्रिंक्स आप कम से कम दें, जैसे कि फ्रूटी हो गया या फिर फ्रूट जूसेस हो गए, और अगर आप उसे शुगरी ड्रिंक दे रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आप उसे पानी दे सकते हैं अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर का है तो। और अगर बच्चा 2 साल के ऊपर का है या 2.5 साल का हो गया है, कुल्ला करना उसने सीख गया है, तो आप उसे आप प्रमोट कर सकते हैं, उसे कुल्ला करना सिखा सकते हैं। जैसे ही वो कोई स्वीटन लिक्विड लेता है उसके बाद आप उसे कुल्ला करने के लिए दे सकते हैं। ऐसे में उसके टीथ क्लीन रहेंगे, उसके टीथ में कम से कम शुगरी ड्रिंक्स का इम्पैक्ट होगा और उसके डीके होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बच्चों में अगर आप 2 बार टूथब्रश टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको हर शुगरी ड्रिंक्स के बाद उसको पानी दे रहे हैं, आप उसका डिहाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर उसको पानी मिल रहा है, उसका माउथ ज़्यादा सूखा नहीं रह रहा है, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आगे चलकर उसको कैविटीज़ होगी। साथ में हेल्दी डाइट और फ्लोराइड का भी इम्पोर्टेंस है कैविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। और एक बात और, जब जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है मैंडेटरी डेंटल चेकअप होना चाहिए कि बच्चों के टीथ कैसे आ रहे हैं, उसके गम्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके गम्स में स्पेस है या नहीं, और आगे चलकर उसको कोई कैविटीज़ होने की संभावना तो नहीं है। इसलिए जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है एक मैंडेटरी डेंटल चेकअप करा लें। वार्निंग वार्निंग वार्निंग, देखिए अगर आपके बच्चे के टीथ में वाइट स्पॉट्स डेवलप होना चालू हो गए हैं या फिर ब्राउन स्पॉट्स या ब्राउन स्ट्रीक्स दिखना चालू हो रहे हैं, मतलब ये कैविटी डेवलप होने का अर्ली पॉइंट है, आपको इसी समय अपने डेंटल सर्जन से मिलना होता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।